क्वेटा शहर के वास्त में जो एक बरसाती नाला है, ये क्वेटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ और यहाँ से जो हमारे शहर का जो पानी है वो निकलता है। अब उसको चंद सालों से कुछ नासमझ लोग जो है वो एक और तरीके से इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। ये एक हमारे जो शहर की मुनशात की आदि लोगों का बाकायदा एक गढ़ बन चुका था और इसको होते हुए मज़ीद फिर इसमें जराइम पेशा लोगों की जो है वो उनकी आमाजगा बन गई थी, जिसमें हमारे मोटरसाइकिल स्नेचर और कार स्नेचर वो यहाँ पे जो है वो पनागा के तौर पर इसको इस्तेमाल करते थे। तो इस पे वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ अदवार में इस पे ऑपरेशन भी हुए और दौरान ऑपरेशन जो है वो हमें ज़ाहिर मुश्किलात का सामना भी था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अरसे से आपको ख़ुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि क्वेटा में उस लिहाज से बारिशें नहीं हो रही थी जिस तरीके से होती थी आज से 10-15 साल पहले, और ये पहाड़ी जो रेले थे पानी के वो आके यहाँ से जो इस शहर का कचरा है और ये सारा बहा के ले जाती थी। तो ये कई सालों से ये सारा कुछ वहीं पे डंप था, उसी ये कचरे को उसको जो है उसके आड़ में उसको इस्तेमाल करते हुए ये जो मनशात की आदि लोग हैं या मनशात फरोश लोग हैं वो इस नाले का इस्तेमाल बखूबी कर रहे थे और इसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने जो है वो आमाजगाहें बनाई हुई थी, जिसमें उन्होंने कुछ पक्के जो है वो भी उन्होंने चबूतरे वगैरह बनाए हुए थे। तो आईजी साहब के हुक्म से हमने इसके लिए प्लान बनाया और उसकी जिम्मेवारी जो है वो मेरी निगरानी में एसपी कायदाबाद इतजा कुमिल और एसपी सिटी शौकत साहब को ये जिम्मेवारी दी गई, जिन्होंने बहुत ही आला तरीके से एक उम्दा तरीके से इसकी प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद तमाम जो डिप्लॉयमेंट्स थी उस प्लानिंग के मुताबिक उस पर रात को यानी 21/9/2021 की रात को हमने ये 4 बजे ये ऑपरेशन शुरू किया। और इस ऑपरेशन के दौरान जब हमारी फोर्स वहाँ नीचे गई तो काफ़ी मुश्किलात और काफ़ी रुकावटों के बावजूद अल्लाह के फजल से वहाँ हमें तकरीबन कोई 250 शायद इससे भी ज़्यादा हमें वहाँ पे मनशात के आदि लोग वहाँ पे मिले, जिनको हमने गिरफ़्तार किया और मुख्तलिफ थानों में हमने इनको मुंतकिल कर दिया। उसके अलावा इनके कोई 20 से लेकर 25 तक जो वहाँ पे मनशात फरोश थे वो हमें वहाँ पे मिले, उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में लाई गई और इन लोगों से मुख्तलिफ किस्म के जो है वो जो ये इस्तेमाल करते हैं मनशात वो हमने कब्ज़े में ली और मुख्तलिफ किस्म के वहाँ से असले हमने कब्ज़े में लिए, इसकी डिटेल और तफसील आपको इंशाल्लाह हम बता देंगे बाद में। तो फ़िलहाल इतनी कार्रवाई हम आपको बताते हैं कि वहाँ पे हमने ये रात को ये कार्रवाई हुई और इसमें हमने सफाया कर दिया सारे वहाँ पे, हमने कॉरपोरेशन से भी मदद ली कि जो वहाँ पे हमें मटेरियल मिला है जो इस वक्त नकारा हो चुका है, ज़ाहिर है उनको आग लगा दी गई है, उनको वहाँ से जो है वो रिमूव कर लें, हमने डी साहब से भी रिक्वेस्ट की है। और कोशिश हमारी ये होगी कि हमने इस पर चूँकि जो इनके पॉइंट्स थे जहाँ से ये नीचे जाते हैं उस पर वहाँ पे तामीरात भी शुरू होगी कि दीवार लगा के उस पर आने जाने के लिए हम उसको रास्ते को बंद कर दें, तब तक उस पर हमारी पुलिस जो है वो डिप्लॉय रहेगी। तो ये मेरा आपके साथ एक सर, जिन लोगों को आपने वहाँ से पकड़ा, इन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया, थानों के बाद फर्दर स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी? फिलहाल तो हमने इनको मुख्तलिफ थाना जात में इनको मुंतकिल किया है क्योंकि तादाद उनकी बहुत ज़्यादा थी और अब इनको हुकूमत से मशावरत करने के बाद जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे इंशाल्लाह हम इनको मुंतकिल करेंगे ताकि इनके जो है वो सेहत का भी ख्याल रखते हुए और इनका इलाज मुआवजा कराया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हमारा एक इस तरह वो है कि अब हम इसको जितने भी वहाँ से आपको आने जाने के रास्ते हैं उस पर हम, बल्कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले मुझे अभी फ़ोन आया कि उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो, तो उन दीवारों का जब हम तामीर करेंगे उस पर हम डिप्लॉयमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो इनके आसान जो रास्ते हैं जहाँ से ये वहाँ पे इनकी एक्सेस है वहाँ पे आसानी से, तो वो इंशाल्लाह अभी इसके बाद हम नहीं होने देंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात वजह है, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम मोबाइलों के ज़रिए
हम मोबाइलों के ज़रिए और हमारे जितने भी शहर में मोबाइलें हैं उनके ज़रिए हम इनको पिक कर दें और जो सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर हम इनको मुंतकिल करें। तो ज़ाहिर जब ये नाले को जो है हम कवर करेंगे तो इसके अलावा यहाँ पे और क्वेटा में अल्लाह के फजल से इस तरह का कोई उनका कोई और आवाज गाय की नहीं होगी कि जहाँ पे ये आज़ादाना तौर पर जो है इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये मुहिम शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे। हम इंशाल्लाह ये इसके अलावा एक दो जगह और भी हमारे नॉलेज में है, जब यहाँ से फारे होंगे तो ये आपको इंशाल्लाह ताला हम अगली जब हमारी आपस की नशिस्त होगी हम उसमें भी आपको उसके प्रोग्रेस देंगे बमाएँ तस्वीरों में, जैसे इसमें हमने क्लिप्स बनाए हुए हैं। सुबह सुबह मैंने तमाम हजरात को जो है वो आपके भाइयों को फ़ोन करके हमने इनको मदू किया कि आप आकर चेक करें, तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको इसी तरह दिखाएंगे। इस तरीके से ये ऑपरेशन हमने मुकम्मल करके दिखा के वाले से ऑलरेडी हमारा प्लान बना हुआ है। हमने जो ईगल्स कार्ड हमारे हैं उनको हमने एक तरतीब दी हुई है। उसके अलावा पिछले दिनों आई जी साहब के ऑफिस में हमने जो मीटिंग की है, जो हमारी 1-5 है, उसको हमने पिछले दिनों एक्सरसाइज की कि उनका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम से कम हम रखें। यही हमने प्रैक्टिस चलाई मस्तुंग में, किला अब्दुल्ला में, चमन में इवन, तो वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिला। क्वेटा में इसमें हम इसको और भी मज़ीद इस पर जो है इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारी कोई 550 के करीब नफरी इस वक्त अभी PTC से फारिग होकर वो अगले तीन चार दिन में पहुँच रही है। उसमें हम 1-5 को मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे और ये जो हमारी 1-5 की मोबाइलें हैं इंशाल्लाह इसके मदद से और ईगल के मदद से हम स्ट्रीट क्राइम पर इंशाल्लाह काबू पाकर दिखाएंगे। तो इस वक्त तो हमारी क्लियर पॉलिसी है, इसमें तो आईजी साहब की बहुत वाज़े पॉलिसी है कि आवाम को तंग करना या आवाम की जो है वो बात को न सुनना वो एक सबसे बड़ा आजकल एक जुर्म है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात है और वो अगर वो किसी तरीके से वो नोटिस में आ जाती है तो उस बंदे की फिर माफ़ी नहीं होगी। वो आपने ख़ुद भी देखा होगा पिछले दिनों कुछ हमारे एहलकार थे जो क्वेटा से बाहर जो है जो इनकी तैनातियाँ हुई, कुछ आपने देखा होगा कि जो काफ़ी डिसमिस हो गए हैं, सारा जो है वो शायदा साहब साथ शेयर करेंगे। इस पे हम सज़ाएं जो है इस वक्त इनको दी जा रही है और जो भी ऐसे नॉलेज में आएगा इंशाल्लाह वो बच नहीं सकेगा।